खाने में क्या बन रहा है? दाल साग भाजी और इधर सोयाबीन बड़ी। चावल तो हो गया है, बाहर निकालने के लिए इस तरीके से पलट कर रखा गया है कि जो भी बचा रहता है वो इस तरीके से निकल जाता है। तो 5-10 मिनट के बाद इस तरीके से छान कर निकाल लेंगे। दाल में तड़का लग गया है, दाल में तड़का भी लगाना है। तो साग को इस तरीके से धोना पड़ता है छान करके। तो साग भाजी में बहुत ज़्यादा ही मिट्टी होता है, इस तरीके से धोकर छानना होता है और ऐसे धोने से मिट्टी निकलता है। 3-4 पानी साफ से धो लेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो दिन की शुरुआत हो गई है, ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। आप सभी पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और सारा दिन का जो भी रूटीन रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी नहाकर फ्रेश होकर आ गए हैं और आज का जो मौसम है, धूप तो नहीं निकला हुआ है, बादल बना हुआ है, लेकिन गर्मी वैसा ही है। तो चलिए, अभी तो खाना पीना बन गया है, बच्चे खाना पीना इधर खा रहे हैं और मैं अभी चल रही हूँ खाना पीना खाने। चलिए तो चलिए, गर्मी तो बहुत है, जो भी छोटा सा ब्लॉग बनेगा आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो जी, शाम का टी टाइम हो गया है और थोड़ा सा कपड़े उतारने गए थे छत पर और पूरा भीग गए हैं। धूप तो नहीं हुआ है, सुबह से बादल बना हुआ था, लेकिन ऐसा गर्मी, ऐसा उमस बना हुआ है कि क्या, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है वेदर में। तो चाय पीते हैं गर्मी में चाय, क्योंकि चाय की आदत है। तो या तो गर्मी हो या फिर ठंडी हो, चाय तो पीने का मन करे ये तो चाय पीते हैं। अभी जा रहे हैं छत पर क्योंकि शाम को क्या किए, आधा कपड़ा उतारे और आधा कपड़ा भूल गए उतारना। तो ये देखिए, ठंडी का कपड़ा, मेरा कुछ कपड़ा रह ही गया था, नहीं उतारते तो फिर कहीं आंधी उंधी आ गई तो बस कपड़ा सारा उड़ जाता। तो कपड़ा उतारते हैं। और इतना आज सुबह से गर्मी किया हुआ है और इतना आज गर्मी किया हुआ है, लिटरली बर्दाश्त के बाहर है गर्मी। और अभी सब्जी में समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाएं नहीं बनाएं। रसोई घर में तो पाँव ही नहीं रखा जा रहा, जैसे जा रहे हैं इतना हमको गर्मी लग रहा है, क्या बोले। जा रही हूँ बाहर निकल आ रही हूँ, जा रही हूँ बाहर निकल आ रही हूँ, बिल्कुल भी वहाँ खड़ा नहीं हो पा रही हूँ। तो बाहर से जो है चने दाल की बड़ी मैंने मंगा लिया है, अब देखते हैं उसका चोखा बनाएंगे, उसका सब्जी बनाएंगे, वो भी देखेंगे। तो आज रात के खाने में वही रहेगा। तो चलिए, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही छोटा बना है क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा परेशानी वाला होता है। कुछ कुछ परेशानी है जो कि शेयर नहीं कर सकते हैं आप सभी के साथ। कुछ कुछ क्या, बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ होती है, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि यूट्यूब पर आकर नहीं शेयर कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट रखेंगे तो ही सही रहेगा। तो कल रात से ही जो चल रहा है, तो कैसे भी करके ब्लॉग मिस ना हो जाए, इस वजह से थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया है। और चलिए, इतना जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। और छत पर भी बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो तन्नी आइए मेरे साथ और यहाँ पर देखिए, ये बल्ब जलाए हैं तो छत पर थोड़ी सी रोशनी आती है। और डेली का वही क्या बनाए, पौधों में पानी डाल रहे हैं। शाम का आज का जो व्यू था डेली जैसा ही था, तो क्या दिखाए, हमारे पौधे भी रेस्ट कर रहे हैं इस तरीके का। देखिए, कहीं भी बादल नहीं है ना कुछ है। और इधर देखिए, टॉर्च जलाकर क्या कर रही है, क्या हो रहा है। चलो बटन लगाइए, खोलो। कब से पता नहीं लाइट जल रहा है कि कोई जानवर आकर आम नहीं खा ले। आम की सुरक्षा के लिए लाइट छत पर जलाया गया है और मुझे पता नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं आई हूँ तो तन्नी ने जलाया है। चलो नीचे चलते हैं, लाइट ऑफ कर दो, कपड़े उठाओ।